अभी आरे भाई मेरी जवानी की बात कर रहे थे, जब मैं भोपाल में घूमता हूं मुझे वो जवानी याद आती है। 91 में मैं देश का पर्यावरण मंत्री था। ये सड़क नहीं थी, जो लेक की सड़क जो वीआईपी रोड कहते हैं, मैं आता था घूम फिर के सुरेश पचौरी के घर के सामने, इसकी सड़क थी वीआईपी गेस्ट हाउस के सामने की सड़क थी। मैंने कहा कि ये सड़क हम बनाएंगे, हम मैंने मंत्रालय में कहा कि ये गंदी तालाब जो है इसे साफ करेंगे। उस समय मैंने 300 करोड़ रुपए दिए, उस समय 300 करोड़ रुपए दिए और वो एम्बैंकमेंट बना और ये सड़क बनी, भोपाल लेक की तालाब की सफाई शुरू हुई। इसलिए मुझे अपना पुराना समय याद आता है, मुझे वो समय याद आता है जब मैं शहरी विकास मंत्री था। बाबूलाल गौर जी जो यहां शहरी विकास मंत्री थे, शिवराज सिंह भी मुख्यमंत्री थे, आए थे। मैंने उन्हें कहा कि कितनी शर्म की बात है कि अपने प्रदेश में मेट्रो नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का पैसा नहीं है। मैंने कहा आप मुझे प्रस्ताव भेजिए, मैं पैसा देता हूं। और भोपाल की मेट्रो की वो शुरुआत थी, इंदौर की मेट्रो की वो शुरुआत थी। ये इतिहास है। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी खंडन कर दीजिए इसका, खंडन, ये तो रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं। हमारा युवक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ करता था। नौजवानों आपने वो समय नहीं देखा, मैं पर्यावरण मंत्री उसके बाद बना और मैंने कहा कि भोपाल को हरा भरा बनाए। हमने यहाँ आके खुद ये जो आप 25 साल 30 साल पुराने पेड़ देखते हो हमने अपने हाथों से लगाए थे, वो भोपाल था। ये उस वक्त तो शिवराज सिंह जी निक्कर में हुआ करते थे, निक्कर में। तो आज ये चुनाव देश का फैसला नहीं करेगा, प्रदेश का फैसला नहीं करेगा, ये चुनाव केवल हमारी विभा पटेल जी का फैसला नहीं करेगा, ये चुनाव भोपाल के भविष्य का फैसला करेगा, हमारी संस्कृति का फैसला करेगा। आज कैसा भोपाल हम चाहते हैं, कैसा भोपाल हम चाहते हैं, ये विजन की बात कर रहे थे, 10 साल बाद का भोपाल कैसे होगा। मैंने इसकी योजना शुरू करी थी कि 10 साल बाद का भोपाल, इतना बोझ भोपाल पर पड़ेगा, आबादी का बोझ, आबादी का बोझ होता है इसका। 10 साल का हमारा विजन क्या है? शिवराज सिंह जी तो टेलीविजन समझते हैं, विजन नहीं समझते हैं, केवल टेलीविजन समझते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये फैसला हमारे नौजवानों के भविष्य का है, हमारे देश की संस्कृति का है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज को, हर धर्म को, हर जाति को जोड़ के रखते हैं। यह कांग्रेस की संस्कृति है। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जहां इतने धर्म हो। नौजवानों कभी आपने सोचा है? ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने धर्म हुए, इतनी जातियां हुए, इतनी भाषाएं हुए, इतने रस्म हुए, इतने त्योहार हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ये अपना देश है और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, ये अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। आज यहां से हम दक्षिण जाते हैं, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है, ये आज हमारा देश है। तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, इस चुनाव में संस्कृति का फैसला करना है। क्या हम मोदी के रास्ते पर चलना चाहते हैं या हम अपने संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं? ये आज बड़े फैसले हैं। ये मत सोचिएगा ये एक पार्षद का चुनाव है, ये मत सोचिएगा एक मेयर का चुनाव है, ये तो नौजवानों
आपके भविष्य का सवाल है। हम कैसा अपना प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों की। हमारे देश में मूल्य है, हमारे देश में संस्कृति है, और पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। वो देखता है एक ऐसा देश, इतनी विभिन्नता, और ये एक झंडे के नीचे खड़ी है। ये अपनी देश की महानता है। आज मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं, शिवराज जी आप किसका वोट मांग रहे हैं, क्यों वोट मांग रहे हैं, आपने क्या दिया? 18 साल का आप हिसाब दीजिए। आप आएंगे अगले 5 साल की बात कहेंगे, हमें 5 साल की बात नहीं सुननी, हमें 18 साल का आप हिसाब दो। आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी आपने, महंगाई दी आपने, घर घर में दारू दी, ये शिवराज सिंह ने दिया। ये तस्वीर आप सबके सामने है। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। शिवराज जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं और किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, महिला पर अत्याचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश दिया था। कहते हैं मैं मामा हूं, जगह जगह जाएंगे कहेंगे मैं मामा हूं। आज अखबार पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर मध्य प्रदेश में, कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? आज ये हमारे भोपाल का बाजार चलता है, हमारे इंदौर का बाजार चलता है, जब किसानों के जेब में कुछ पैसा हो, कोई दिल्ली से या बाजार के लिए नहीं आता, उसकी क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, हमारे जो ग्रामीण युवक है उनमें मजबूती आए। यह मेरा प्रयास था कि कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आए, मेरा प्रयास था कि बेरोजगारी का क्या उपाय है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है, ये सब नौजवान जो यहां हैं, यही हमारा भविष्य का भोपाल का निर्माण करेंगे, यही हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। पर अगर ये भटकते रहे, ये भटकते रहे, इनके सामने कोई रोशनी ना हुई, क्या निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, भोपाल का क्या निर्माण होगा? नौजवानों का भविष्य सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे नौजवानों को, कैसे नौजवानों को रोजगार या व्यवसाय का मौका मिले? हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़प है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये रोजगार के मौके कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से नहीं बनेंगे, ये रोजगार के मौके तभी बनेंगे जब आर्थिक गतिविधि बढ़े। जब आर्थिक गतिविधि होए, हमारे किराने की दुकान जो गांव में है वो किराने की दुकान चलती है जब आर्थिक गतिविधि बनती है, जब किसान के पास कुछ पैसा होता है। ये आज नौजवानों का भविष्य जो सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा प्रयास था कि यहां निवेश आए, किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं, जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है वो अपना उद्योग लगाता है हरियाणा और पंजाब में। क्यों? हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, कोई मध्य प्रदेश नहीं आता। मैंने सम्मेलन किया, बड़े से बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, मैं शिवराज सिंह के कोई समिट नहीं करता कि घोषणा कर दें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। मैंने सबको एक मध्य प्रदेश का नया परिचय दिया। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं हो सकती, मिलावट से नहीं हो सकती, मध्य प्रदेश की पहचान तो विश्वास से होगी, और अगर विश्वास होता है तभी निवेश आता है। तो ये आज चित्र हमारे सामने है। 18 साल का जवाब शिवराज सिंह जी दे ये पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया। शिवराज जी खड़े हो जाइए आकर इस मंच पर, मैं बताऊंगा 15 महीनों में मैंने क्या किया, आप 18 साल का हिसाब लगा दे दो। ये
ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी जिस स्कूल में गए हो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और मोदी जी को मैं कहता हूं मोदी जी अगर आप स्कूल गए हुए हो तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। ये झूठ की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, नौटंकी की राजनीति। शिवराज सिंह जी के नौटंकी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अभी तो हाल में ही मध्य प्रदेश रांची ट्रॉफी क्रिकेट में जीता है ना, पर शिवराज सिंह ने तो वर्ल्ड कप झूठ में जीत दिया था और ओलंपिक झूठ में जीत दिया था। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। 18 साल में कैसे इन्होंने ध्यान मोड़ने का प्रयास किया। जब भी मौका आता है बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, छोटे व्यापारियों की बात नहीं करेंगे। आज हमारा तरस छोटा व्यापारी, जो हमारा छोटा व्यापारी रीढ़ की हड्डी है, जो ये टपरा लगा लेता है, जो ये छोटी छोटी दुकानें दिख रही हैं, यही आज हमारी अर्थव्यवस्था का बुनियाद है। तो मैं से आपसे इतना ही कहना चाहता हूं 4 तारीख के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये बैनर नहीं रहेंगे, ये भाषण नहीं होंगे। जो आप 4 तारीख को बटन दबाएंगे, विभा पटेल और हमारे पार्षदों का तो बटन दबाएंगे, पर सबसे बड़ी चीज आप इन बच्चों के भविष्य का बटन दबाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 6 तारीख को भोपाल का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारी संस्कृति को मजबूती देंगे। और मुझे कोई शक नहीं, आप में से मैं सबको देख रहा हूं कितना उत्साह है, मुझे भी जोश आता है, मुझे भी बदन शक्ति मिलती है। आज सुबह मैं छिंदवाड़ा से चला था, मैं खंडवा गया, बुरहानपुर गया और आज आपके बीच में आया हूं। मुझे इस बात का जहां आकर पूरा विश्वास है कि अगर आप सबने अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। भोपाल नगर निगम में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत-बहुत